guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो बिल्कुल भी आम नहीं है, बट महिलाओं में ये लक्षण शुरुआती दिनों में भी देखे जा सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है. बिकॉज महिलाओं को कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानकारी तो होती है, बट जो अनकॉमन होते हैं उनके बारे में नहीं पता रहता है, और महिलाओं की बॉडी में वो लक्षण भी नजर आ सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने में. देखिए, प्रेगनेंसी जब आपको कंसीव होगी तो उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं. हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, कुछ हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होते हैं, एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, साथ में प्रेगनेंसी हार्मोन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. लेवल है धीरे धीरे महिलाओं की बॉडी में बढ़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में इंटरनली तो काम हो ही रहा होता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट जो एक्सटर्नली सिम्टम्स हैं वो महिलाओं की बॉडी में अर्ली फेज में ही नज़र आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहला है गाइड हॉट फ्लैशेज. इसमें क्या होता है, महिलाओं के नेक से ऊपर महिलाओं को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है. इस कंडीशन में आपके गाल आप देखेंगे अचानक से बिल्कुल लाल हो जा रहे हैं, सफोकेशन भी ज़्यादा होने लग जाती है क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है. तो आपको अचानक से दिखेगा आपके गाल लाल हो गए हैं या आपको स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है. गर्मी के पीछे और भी कारण है, एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना तो है ही, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आपको बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको लगातार महसूस होने लग जाती है. और ये दिक्कत अक्सर महिलाओं में शाम को फील होती है. और इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आपको हाथ ठंडे लग रहे हैं, पाँव गर्म लग रहे हैं, कभी कभी पाँव गर्म लग रहे हैं, हाथ ठंडे लग रहे हैं, तो इस तरीके की फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो पहले 3 महीने में बहुत तेज़ी से होती है. बच्चे का स्ट्रक्चर पहले के 3 महीने में तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है. एनर्जी इसलिए लग रही होती है क्योंकि मदर की बॉडी से हर चीज़ से बच्चे को मिलती है. बच्चे को फीड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सबकी सप्लाई मदर की बॉडी से हो रही होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को थकान लगना शुरू हो जाता है. और थकान तो नॉर्मली भी महिलाओं को लगती है, बट जो ये थकान होती है इसमें आपको कुछ अलग सी फीलिंग होती है. आपको हर टाइम सोने का मन कर रहा है, आप हर टाइम एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, इसमें इरिटेशन आपकी ज़्यादा हो जाती है, छोटे मोटे काम कर रही हैं जल्दी इरिटेट हो रही हैं, आपको बहुत जल्दी थकान लग रही है, सीढ़ियाँ चल रही हैं, आपकी सांसें फूलने लग जा रही हैं जो पहले आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, साथ में आपको चेंजेस दिखते हैं अपने टेस्ट में. कुछ महिलाओं के टेस्ट मेटालिक हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को ऐसा जला जला सा फील होता है. ऐसा नहीं है जला एक दिन फील हो रहा है अगले दिन नहीं है, कई बार क्या होता है बुखार आने में, तबीयत खराब होने में माउथ का टेस्ट चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है. अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके टेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं तो वो लगातार आपको दिखते रहेंगे. ऐसे चेंजेस बर्निंग भी हो सकता है, जला भी हो सकता है, बासी भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, इस तरीके के माउथ के टेस्ट में आपको चेंजेस फील हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को खाना खाने का भी मन नहीं करता है. ऐसा नहीं है सिर्फ खा रही हैं या पी रही हैं तभी ये फीलिंग होगी, आप नहीं भी खा रही हैं तब भी ये फीलिंग आपको महसूस होने लग जाती है अपनी टंग में. इसके साथ साथ जो सेंसिटिविटी है वो महिलाओं की इंक्रीज होती है, मेनली जो स्मेल की सेंसिटिविटी है. देखिए, सूंघने की क्षमता प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अर्ली फेज में आपकी इंक्रीज हो जाती है, और वो सब चीज़ों को लेकर होती है. ऐसा नहीं है सिर्फ फूड को लेके हो रही है. यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर चीज़ की जो खुशबू है वो ज़्यादा फील होने लगती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट हो जो आप यूज़ कर रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट हो, हेयर केयर प्रोडक्ट हो, या खाने का हो, हर चीज़ की जो खुशबू है वो ज़्यादा फील होने लगती है. और साथ में आपके फूड में भी वेरिएशन आते हैं. जो खाना आप खा रहे थे पहले, अचानक से आप देख रहे हैं कि सडनली एक फूड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग, मेरी प्रेगनेंसी में जो मेरे को करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट अचानक से मैंने देखा कि मुझे करेला इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने करेला खाया, कड़ी खाई, तो इस तरीके के चेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं. और साथ में जो फूड में वेरिएशन आते हैं, आपको फूड के जो खाने की इंटेंसिटी है यहाँ पे कुछ महिलाओं की बढ़ जाती है, पर्टिकुलर फूड के लिए बढ़ेगी. कुछ महिलाओं की स्पाइसी के लिए बढ़ती है, कुछ महिलाओं की सॉल्टी के लिए बढ़ती है, कुछ महिलाओं की स्वीट के लिए बढ़ती है, बट वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है. ऐसा लगता है कि आपको मिल जाए बस, इस तरीके की फीलिंग. और इसके साथ गाइस आपके निप्पल में भी चेंजेस रहते हैं, निप्पल में आपको अर्ली फेज में पेन होना शुरू हो जाता है. महिलाओं को लगता है ब्रेस्ट में होता है, बट चेंजेस आपको निप्पल में
पहले नजर आते हैं, निप्पल में आपको पेन होने लगता है, निप्पल में आपको खुजली होने लगती है, निप्पल का और एरोला का एरिया आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा, उसका कलर आप देख रहे हैं डार्क हो रहा है और डे बाय डे डार्क हो रहा है। पहले हल्का सा ब्राउनिश था, अभी हल्का हल्का सा ब्लैकिश होने में लगा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में महिलाओं की बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो स्किन कलर को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ निप्पल में नहीं, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ महिलाओं को नहीं होती है तो फिर भी उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। अगर आपके कोई वॉट्स हैं, मोल्स हैं, तो उनका कलर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तिल हैं तो उनका कलर जो पहले आपको इतना डार्क नहीं दिखाई देता, अब अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे कि डार्क कलर होने लग गया है, चाहे वो कुछ भी हो, मोल्स हो, वॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो, झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं। और साथ ही साथ कुछ महिलाओं के केसेस में जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से लाइक पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम भी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। बट साथ ही साथ जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से सब बॉडी पार्ट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छी हो गई, तो उसकी वजह से जो ग्लो है वो महिलाओं का दिखने लगता है। और ग्लो बेबी गर्ल और बेबी बॉय को भी ऐसा बोलते हैं कि डिफाइन करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में जो चल रहा होता है उसकी वजह से ही आपके फेस में एक ग्लो आता है। कुछ महिलाओं के नहीं आता है, बट कुछ महिलाओं के अर्ली फेज से ही एक प्रेगनेंसी का ग्लो महिलाओं को महसूस होने लग जाता है, जो आप महसूस करेंगे काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी ऐसा ग्लो आपको नहीं दिखा। इसके साथ आपको नोज़ भी थोड़ा बड़ी बड़ी लग सकती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से नोज़ में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। कुछ कंडीशन में जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो भी रप्चर हो सकते हैं, तो आप हल्का सा ब्लड भी अगर आपको निकलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। जैसे नोज़ से म्यूकस आ रहा है उसमें हल्का सा रेडिश कलर का ऐसा स्पॉटिंग देख सकते हैं, वो प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है। इसके साथ जो आपके मसूड़े हैं उसका कलर भी आपको डार्क दिखने लगता है, मसूड़ों में हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी फील होती है। महिलाओं को दांतें थोड़ा कमज़ोर लगने लगते हैं, ऐसा लगता है टूट जाएंगे, बट वो टूटते नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से टेम्पररी थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको ऐसा लगता है, जब तक प्रेगनेंसी रहती है तो उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि आपके दांत कमज़ोर हो गए हैं, तो वो दांत कमज़ोर जो प्रेगनेंसी में हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से ये फीलिंग आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो कोल्ड फ्लू या कोई भी जैसे बारिश हो रही है तो आपको जल्दी कोल्ड लगेगा, जल्दी खांसी हो रही है, छींके आ रही है, गले में खराश की दिक्कत ज़्यादा होने लगती है, हार्ट बर्न की दिक्कत होने लगती है, जलन होने लगती है गले में, नेक में, अगर कुछ स्पाइसी फूड आप खा ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान देखी जा सकती है। अगर ये दिक्कतें आपको लगातार फील हो रही है तो आप समझ सकते हैं ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इसी की वजह से ये चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। अगर इन चेंजेस के बारे में आपको नहीं पता है तो इस वीडियो से पता चल जाए, जिससे आपको प्रेगनेंसी पहचानने में हेल्प मिलेगी। ये आज का वीडियो होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।